तो यहाँ पे बाइक का काम एकदम फुल पावर रेडी हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है, रैप हो जाएगा अभी एयरटेल पे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे भाई पूजा का नवमी का ब्लॉग छोड़ के भाई सीधा ये वाला ब्लॉग क्यों आ रहा है, तो भाई मैं सबको बोलना चाहता हूँ गाइस, पूजा के नवमी के दिन भाई मैं बाहर भाई उतना भी गया नहीं, इसलिए भाई मैंने अपना सोसाइटी पे पूजा मंडप पे बैठा था, इसलिए गाइस थोड़ा कुछ ब्लॉग नहीं बना पाया, इसलिए वो वाला ब्लॉग मैं नहीं दिया। सो सेकंड क्वेश्चन गाइस, आप लोग सोच रहे हो भाई इतना दिनों तक भाई ने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई दो हफ्ते से ना भाई मैं थोड़ा कुछ अपसेट हूँ, मूड ऑफ है, थोड़ा कुछ भाई डिप्रेशन में चला गया था भाई, मतलब कि यार अंदर से दिल टूट चुका था। सो अभी भी भाई मूड ऑफ है, फिर भी यार आप लोग के लिए भाई व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब कि यार खाने का मन नहीं था, काम पे भी यार मन नहीं हो रहा था, क्या ही बताएं आप लोग को भाई, सोच रहे हो भाई मतलब क्या डिप्रेशन ऐसा चीज़ है ना भाई, फिर भी यार मैं बहुत ही कोशिश करके रिकवरी करके भाई ठीक हुआ हूँ, मतलब कि अभी भी थोड़ा दिल अपसेट है, क्योंकि यार भाई ये दो हफ्ते से ना भाई बहुत कुछ हो गया था, इसलिए गाइस जो दुर्गा पूजा का व्लॉग है मतलब कि यार अष्टमी का उसके पहले था गाइस सप्तमी का, एंड भाई सप्तमी के पहले एक व्लॉग था भाई, उस वाले व्लॉग को मैंने भाई उसको मजबूरी से अनलिस्टेड करना पड़ा, सोच रहा था कि मैं प्राइवेट कर दूँ लेकिन मैंने प्राइवेट नहीं किया तो उसको भाई अनलिस्टेड कर दिया है। ठीक लोग यार समझ रहे हो भाई क्या चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, तो इस व्लॉग में भी मन नहीं कर रहा था भाई, मतलब कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था हर किसी काम पे भाई, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था व्लॉगिंग में भी, इसलिए गाइस इतनों दिनों तक भाई गैप पड़ चुका है। ठीक है भाई कोई बात नहीं भाई, हाथ से भाई रेगुलर मैंने अपडेट व्लॉग मैंने बनाऊंगा। ठीक है, सो भाई आज हम जाएंगे भाई मेरा बाइक का कुछ रैप करवाने के लिए, वाला रैप तो भाई मैंने पहले से मैंने सोच कर रखा था भाई, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं भाई, ऐसा कभी कभी होता है भाई लाइफ में। चलो भाई फटाफट से निकलते भाई, बाइक भी निकालना पड़ेगा एंड निकलते भाई लोग बिना किसी टाइम उसके, सो लेट्स गो। तो गाइज अभी देख सकते हो मेरा बाइक अभी बाहर निकल दिया है मैंने, तो आज बाइक पूरा पूरा चमका रहा है क्योंकि यार बाइक का पूरा फुल पावर सर्विसिंग हुआ है। ठीक है पूजा के बाद, एंड गाइज अभी देख सकते हो भाई यहाँ पे मैंने लीवर भी ठीक करा लिया है, ओके, और भाई मैंने यहाँ पे गाइज इसका क्रैश गार्ड है भाई, क्रैश गार्ड भी मैंने ठीक करा दिया है, ओके, और भाई यहाँ पे गाइज एक बार देखो दीपेंदु सी आर दास यूट्यूब इंस्टा और फेसबुक यही पे मैंने स्टिकरिंग करवाया है, तो बाइक फुल पावर आज चमक रहा है भाई जैसे लोग देख पा रहे हो। ठीक है, और पीछे का लुक आप लोग को दिखाते हो भाई, ठीक है इसका अलॉय देखो भाई एकदम पूरा चमक रहा है, मतलब कि आज फुल पावर सर्विसिंग करके मैंने लिया है पूजा के बाद, जैसे कि लोगों को पता है भाई अष्टमी वाला ब्लॉग में मैंने बताया था, सो जाओ जाके भाई चेक कर लो, वहाँ पे ब्लॉग भाई बहुत ही खतरनाक बना है। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं भाई बाइक का थोड़ा कुछ काम करवाने के लिए, जैसे कि तुम पकड़ लो कि थोड़ा कुछ भाई रैप होगा, पूरा रैप नहीं भाई, रेड भाई अपना दिल का जान शान पहचान है भाई, रेड रेडी रहेगा। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल पर रहे हैं और अभी हम हैं भाई जीटी रोड पे, जैसे लोग देख पा रहे हो भाई लोग, तो अभी हम जा रहे हैं भाई पेट्रोल पंप, क्योंकि यार मेरा बाइक का दोनों टायर पर ना भाई नॉर्मल एयर दिया हुआ है, सो नॉर्मल एयर हम लोग को निकाल देना चाहिए। ठीक है, एंड भाई उसके बदले में हम भरेंगे भाई एकदम नाइट्रोजन एयर दोनों साइड पे 30-40 करके। ओके, सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं फ्यूल पंप एंड अभी हम जा रहे हैं भाई अपना बाइक का हवा भरवाने के लिए। तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल एयर एकदम बाहर कर दूंगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एयर यहाँ पे पूरा इंस्टॉल हो जाएगा खतरनाक से। तो गाइस अभी पीछे हो रहा है अपना बाइक का टायर पे नाइट्रोजन इंस्टॉल। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन एयर भरवाना हो चुका है और अभी हम रास्ता क्रॉस कर रहे हैं मेरे भाई। सो अभी हम जा रहे हैं महेश पे एक स्टिकरिंग की दुकान पे, थोड़ा कुछ रैप होगा, मतलब कि आप लोग जैसे को पता है भाई वीडियो के पहले मैंने बता दिया था। ओके, और बाइक का कुछ काम कैसा, क्या क्या मॉडिफिकेशन और क्या क्या रैप, क्या क्या स्टिकरिंग होगा,
वो आप लोग को भाई थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मतलब कि अभी मैंने कुछ बोलूंगा नहीं, एकदम आप लोग डायरेक्ट देख लेना क्या क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सो ठीक है, सो अभी चलते भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाक से स्टिकरिंग की दुकान पे महेश पे। ओके भाई, यार सचमुच में यार बाइक क्या भाग रहा है आज, मतलब कि यार सर्विसिंग के बाद गाइस आज पहला राइड है, मतलब कि इतना भाग रहा है भाई क्या ही बताए। ऊपर से भाई नाइट्रोजन भरा हुआ है। ठीक है, तो गाइस कमेंट करना भाई R15 V3 में ट्यूबलेस टायर पे भाई नाइट्रोजन भरवाना, ठीक है वो भी यार सामने 30 यार पीछे 40, ठीक है कि नहीं भाई कमेंट करना भाई। मैं अभी इसका भाई जानता नहीं, आप लोग से मैंने नॉलेज लूँगा। ठीक है, सो भाई कमेंट करना भाई, ठीक से कमेंट करना, क्योंकि यार मेरा जो ग्लैमर था उसमें भाई मैंने भाई वो 28 और 38 देता था। ओके, सो इसलिए भाई इस बाइक पे भाई मैंने उसी हिसाब से लगा के भाई 30 और 40 दे दिया। ओके, तो अभी गाइस हम आ चुके हैं DDM ग्राफिक्स की दुकान पे। जैसे लोग देख पा रहे हो भाई लोग, ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है The next day। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाइक की रैपिंग की दुकान पे। ओके, तो यहाँ पे भाई है धीराज भाई भी आया है मेरे साथ, तो ये भी देखो भाई धीराज भाई। तो यहाँ पे बाइक का काम एकदम फुल पावर रेडी हो चुका है और स्टार्ट भी हो चुका है, रैप हो जाएगा अभी इधर पे। तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पे आधा काम हो चुका है, मतलब कि अभी पूरा रैप हो चुका है, मतलब सिर्फ यहाँ पे कट होगा भाई, एकदम फाइनल लुक अभी देख लो तो आप लोग को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे कम से कम भाई मेरे साथ 1 महीना 2 महीना साथ मेरे वीडियो में आ रहा है, मतलब कि 1 महीना पहले आया था, अभी 1 महीना बाद, मतलब कि गाइस ये भाई लापता हो गया था कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए अपने काम पे भाई, बहुत ही बिजी है भाई। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा अलॉय रैपिंग हो रहा है रेड कलर पे। तो गाइस भाई का यहाँ पे लेट हो चुका है और भाई यहाँ पे टोटो पकड़ते हुए अपना घर जा रहा है भाई। टाटा भाई, टाटा टाटा, ठीक है जी भाई, 10 रुपया भाई फोन पे करना भाई। तो भाई यहाँ पे चला गया अपना घर, मतलब कि यार मेरा बाइक का काम होने पे बहुत लेट हो रहा है, तो उसका कुछ अगला काम है तो इसलिए वो चला रहा है। ठीक है, एंड कोई बात नहीं भाई, ऐसा कभी कभी हो जाता है भाई दोस्त के खातिर। मेरा सामने वाला अलॉय एकदम पूरा रेडी हो चुका है, मतलब कि पूरा रेड से भर गया है, इधर पे भी पूरा भर गया है। ओके, सो अभी काम हो रहा है पीछे वाला अलॉय पे, जैसे हम लोग देख पा रहे हो भाई लोग। ओके, एंड सिर्फ अभी इधर में भी बाकी है, ये देखो अभी इधर पे बाकी है, इधर भी फुल पावर रैप हो जाएगा। तो गाइस अब लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे फाइनल लुक हो चुका है, मतलब कि अभी भी थोड़ा कुछ काम बाकी है, जैसे कि लोग यहाँ पे भाई मैंने टेंपर लगाऊंगा, यहाँ पे एक ऑयल पैड भी लगाऊंगा। ठीक है, एंड भाई होने के बाद गाइस एकदम पूरा फाइनल लुक देख पा गया। ठीक है, तो फाइनली गाइज यहाँ पे देख सकते हो मेरा बाइक एकदम पूरा फुल पावर एकदम पूरा फर्स्ट क्लास, कम्प्लीटली मॉडिफिकेशन हो चुका है इसका। रैपिंग वगैरह देख सकते हो भाई यहाँ पे फ्रंट पे, भाई ये वाला रैपिंग मैंने करवाया, मतलब कि ये वाला दिमाग से निकाला है भाई ये वाला डिज़ाइन। और भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई ये पे टैंक पेन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे दोनों अलॉय भाई रेड कलर दिया, मतलब बिल्कुल भाई खतरनाक लग रहा है यार। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो भाई दोनों बॉर्डर पे ये वाला लगाया मैं, मतलब कि ये भी भाई खतरनाक लगेगा। सो लेट्स मूव, अभी निकलते भाई फटाफट से।
गाइज यहाँ पे मैंने बाइक खड़ा करके यहाँ पे कुछ सिनेमेटिक शॉट ले रहा था, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा सब्सक्राइबर मिल चुका है। भाई कैसा लगा मेरा बाइक, मैंने बाइक का रैप मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा ना? हाँ। ऐसा बाइक खरीदे क्या कभी? हाँ, बड़ा होके खरीदेंगे। बस बैठोगे ऊपर में? नहीं अभी नहीं, बाद में कभी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपना घर पे, और इसका भाई जो लुक देख रहे हो ना भाई, खतरनाक लुक दे रहा है। सो आई होप यार सिनेमैटिक शॉट आप लोग को अच्छा लगा। तो भाई सिनेमैटिक शॉट अच्छा लगा तो भाई अभी से एक लाइक ठोक दो भाई, खतरनाक कमेंट कर दो भाई इसका भाई मॉडिफिकेशन कैसा लगा। सो आप लोग भाई मॉडिफिकेशन ऐसा कर सकते हो तो भाई मुझको DM करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ID मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन ऊपर भाई नाम आ रहा है दीपेंद्र सी हरदास, जाओ जाकर फॉलो करो और DM करो भाई। सो इसका जो भाई डिज़ाइन देख पा रहे हो भाई, इसका डिज़ाइनिंग पूरा मैंने अपने दिमाग से निकाला है भाई, खतरनाक से। मैंने काम करवाने आया था भाई इसकी 12:30। सो अभी टाइम हो रहा है भाई 3:30, मतलब कि यार 3.5 घंटा लग चुका है मेरा बाइक का फुल पावर कंप्लीट करने में। तो गाइस भाई सब अभी 3:30 बज चुका है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है, मतलब कि विंटर गिर चुका है। और भाई सब व्यू देखो गाइस, व्यू देखो, लुक एट दिस व्यू मैन। सो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं अपना सोसाइटी पे। तो आज का वीडियो गाइज थोड़ा कुछ इस तरह रैपिंग का वीडियो था। सो आज का वीडियो गाइज अच्छा लगा तो गाइज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दबा के, ओके। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, सूरज मामा अभी डूबने वाला है, ओके। एंड भाई हम भी अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है। सो चलो यार मिलते गाइज एक मस्त एपिसोड में, तब तक स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहो, ऐसे प्यार बरसाते रहो गाइज। लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, राइड आउट एंड राइड सेफ गाइज, टाटा बाय बाय।